ये गांव पूरा पूरा पूरी 350 से 400 घर से मैंने आच्छादित है, जिसमें जिसमें कि यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 2500 से 3000 तक की है। हम लोगों के गांव में सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर 10-12 बच्चर से हम लोग का रहना हो गया है। यहाँ पर हम लोग इसी बीच में बहुत चेष्टा किए हैं, मैंने अपना वोटर करने के लिए राशन कार्ड आधार कार्ड तो प्रायः हो चुका है। यहाँ पर हम लोग तो बोका हैं, हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है, जो बाहर से आते हैं हम लोग तो उन्हीं के ऊपर विश्वास करते हैं। कोई भी आते हैं जानते हैं जी आदिवासी टोला है, वो हम लोग को पूरा जान लेता है जी यहाँ आदिवासी टोला है, यहाँ घुसने से हम लोग को 2 पैसा इनकम होगा, बस वही सोच के आते हैं। और वो लोग हम लोग को उल्टा सीधा बुझा देते हैं, हम लोग तो ऐसे आदिवासी बोका है, बस क्या होगा। वो घुसते हैं और वैसे बोल के पैसा वैसे हम लोग से 2-4 पैसा मांग के ले जाते हैं। 2-4 पैसा ही तो इतना बड़ा गांव में घुसने से कितना पैसा हो जाता है। यहाँ पर हम लोग के पास बिजली नहीं होने के कारण से हम लोगों को बहुत कठिनाई होती है। हम लोग खा नहीं खा के 2 पैसा जमा करके हम लोग सोलर लिए हैं। जो सख्त इसका फैमिली थोड़ा चलने जैसे है वो लोग सोलर लिए हैं, जिसका नहीं है एकदम लो है वो लोग के पास वही मिट्टी का तेल खरीद के वो लोग जला रहे हैं। और कोई ऐसे भी परिवार है जो मैंने दिन को खाना बना के बस दिन ही दिन खा लेता है और सो जाता है, क्या करेगा। अभी जो है हम लोग यहाँ जौन खटते हैं तो खाते हैं, जौन नहीं खटते हैं तो खाना नहीं मिलता है। और यहाँ समस्या ऐसे है, जब से लॉकडाउन हुआ है इस लॉकडाउन पे या हम लोग कहीं काम करने के लिए नहीं जा पाते हैं और कोई सरकार से भी कोई सहायता नहीं मिलता ही। सुनते थे जो सरकार तरफ से राशन मिलता है बोल, लेकिन हम लोग जब जाते हैं हम लोग को कान में भी सुनाई पड़ा जो सरकार का राशन मिल रहा है, लेकिन तो भी हम लोग इधर हम लोग खबर लेते हैं तो यहाँ राशन नहीं है हम लोग का नाम से, सब जगह से राशन मिला। हम लोग का तो फ्री का राशन तो मिलना चाहिए कि नहीं, सबको मिला तो क्या हम लोग सरकार का आदमी नहीं है। तो मेन मुद्दा तो हम लोग का तो ऐसे तो हम लोग आदिवासी है, और जो भी जैसे कि वोटर कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, जमीन का काम हुआ, ये सब तो हम लोग का तो ऐसा परिस्थिति है जो एक दिन काम ना करने से दूसरा दिन हम लोग का बाल बच्चा को खाली पेट सोना होता है। फिर भी हम लोग चेष्टा करके बाल बच्चा को भूखा सुला के फिर भी हम लोग कभी वीडियो के पास जाते हैं, कहीं कभी डीएम के पास जाते हैं। ये ज़मीन के लिए जो है किशनगंज डीएम को भी दरखास्त दिए हैं, वहाँ से हम लोग सुनने में आया है कर्मचारी को आउडर हो गया नापने के लिए, लेकिन नाप लिया पूरा गांव, आमीन भी था साथ में, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ हम लोग को। तो हम लोग को ज़मीन अगर हो जाता तो उसमें से हम लोग बहुत खुश रहते। और जो बाहर से आए हम लोग का उनके पास भी हम लोग बोले तो बोलते हैं ठीक है हम लोग कर देंगे, किंतु वो लोग हम लोग से पैसा भी लिए हैं लेकिन कर नहीं दिए अभी तक, एक भी काम नहीं किए हैं वो लोग, केवल हम लोग से पैसा वो लोग लिए और रिसीवर भी नहीं दिए, कुछ नहीं किए वो लोग। क्या हम लोग को, हम लोग क्या सरकार के आदमी नहीं है, सरकार की दबीदार नहीं है, सरकार की क्या हम लोग कोई जमीन नहीं ले सकते हैं, क्या सरकार को हम लोग वोट नहीं देते हैं, हम लोग क्या हिंदुस्तान में रहने वाले नहीं है। लगभग 500 परिवारों वाले इस गांव में आज तक बिजली की रोशनी नहीं पहुंची है। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ दें तो आज तक यहां के अधिकांश ग्रामीण जॉब कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और बसोबास के लिए ज़मीन का पर्चा बनवाने के लिए वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरब डांगी के लोगों को उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से सत्ताधीशों और सरकारी कार्यालयों में बैठे अधिकारियों को इनके तकलीफ़ों का एहसास होगा और कोई
समाधान भी निकलेगा। अगर आप भी इनकी किसी तरह से भी मदद करना चाहते हैं तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैं मोहम्मद शाह फैसल, किशनगंज बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।